सबसे पहले हम चीन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि चीन जो है का अभ्युदय कब हुआ और उसके बाद उसकी क्या नीतियाँ रही। चीन 1949 में स्वतंत्र हुआ और इसके माओ जो चीन के नेता थे उनके कठिन संघर्ष के बाद 1949 में चीन को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद जो है चीन में सबसे पहले वहाँ की जनता बहुत खुश हुई, भाई किसी को भी स्वतंत्रता मिलती है तो उसको बहुत मतलब अथाह खुशी होती है, खुशी की कोई सीमा नहीं होती। उसी तरीके से चीन को भी स्वतंत्रता मिली तो चीन के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन माओ ने आज़ादी मिलते ही लैंड रिफॉर्म बिल लिया है और वह उन लोगों के जो लोग इतना खुश हो रहे थे उन लोगों की खुशी में वो ये समझो कि एक बहुत बड़ा खलल डाला वो लैंड रिफॉर्म बिल। वो क्या था कि दो सालों के अंदर अंदर जितने भी किसान थे उन किसानों के जमीनों को हथिया लिया गया और अगर जो ठीक तरीके से देने के लिए तैयार हो गए मतलब स्वीकार कर लिए भाव की नीतियों को सही तरीके से अडाप्ट कर लिए और उसी में अपना सर्वाइवल ढूंढने लगे जीने की राह ढूंढने लगे तो उनके लिए तो कोई खतरा नहीं था। लेकिन जिसने भी अपने जमीन की मोह के बारे में सोचा उसको मार दिया गया और करीब करीब इस तरीके से चीन में एक से 1.5 लाख लोगों की हत्याएं हो गई 2 साल के अंदर। इसके बाद माओ क्या करता है कि 1958 में एक पॉलिसी लाते हैं जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है और वो ये चाहते हैं कि जितने भी हम यहाँ पे किसानों की ज़मीनें हैं उसको हम कब्जा करके फसल मतलब उगाएंगे और हम उसको रिजर्व करेंगे और इसके वजह से हमारा मतलब आर्थिक स्थिति में व्यापक रूप से वृद्धि होगी, यानी अपने को समृद्धिशाली बनने का प्रयास उन्होंने शुरू किया और करीब करीब 15 वर्षों के दौरान उनके पास मैं अधिकतम जमीन है अधिकतम क्या कि 99% जमीनें आ गई और एक तरीके से वहाँ पर साम्यवाद का जो स्वरूप है उसका अभ्युदय भी हो गया। फिर चीन जो है उसके बाद से अपने न्यूक्लियर पॉलिसी मतलब स्वतंत्रता के बाद से ही अपने न्यूक्लियर पॉलिसी पर भी विचार करना शुरू कर दिया था जैसे अन्य देश। अच्छा दूसरी चीज़ है कि चूंकि वर्ल्ड वार हुआ था तो वर्ल्ड वार में अप्रत्यक्ष रूप से चीन ने भी हिस्सेदारी की थी और जो अमेरिकी गुट था उनके गुट में था, लेकिन उस समय चांग का शासन था, शांग चांग के पहले वहाँ के शासक हुआ करते थे और वो एक तरीके से राजाओं का शासन था और बहुत लिबरल शासन था और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट थे, मतलब जिस तरह की संस्कृतियाँ वहाँ पर विकसित थी उस तरह की संस्कृतियाँ कहीं देखने को नहीं मिलती। हमारे कल सबसे बाद भारत ही ऐसा एक देश होगा जो इतना सभ्य होगा क्योंकि भारत को का इतिहास ही गवाह है कि भारत जो है एक सभ्य और सुसंस्कृत राष्ट्र रहा है। फिर इसके बाद अब हम न्यूक्लियर जो मुख्य मुद्दा है उस पर हम आते हैं। चीन ने 1964 में अपना परमाणु परीक्षण किया, पहला परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद से अपनी नीतियों के उसी क्रम में आगे बढ़ाना शुरू किया और इसके मतलब एक तो जो नज़रिया अपनाया इसके दो पहलू थे। पहला कि चीनी रणनीतिकारों ने सैन्य उपयोगिता के लिए जो मिलिट्री यूज है उसके लिए इन्होंने परमाणु हथियारों के विकसित करने के बारे में सोचा। दूसरा इन्होंने माओ के सिद्धांत के आधार पर जो राजनीति है उस राजनीति के तहत भी परमाणु बमों को या परमाणु वेपन्स के आविष्कार में लग गया। इसके बाद फिर इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होता है करीब करीब 80-90 के दशक में। Yes. Thank you.
1987 में चीन जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को निर्बाध गति से जारी रखने का प्रयास करता है और इसका जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी और जितने भी मतलब इक्विपमेंट्स हैं उसके परमाणु रिएक्टरों की स्थापना ये सब बड़े पैमाने पर शुरू कर देता है। और प्लस नेवी और लैंड फोर्स एयर फोर्स सभी में जो है अपनी अभिरुचियाँ बढ़ाता गया, जिसमें सबमरीन लॉन्च मिसाइल सिस्टम और इस तरीके से ICBM और इसके निर्माण में वो पूरी तरीके से लग गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं उसके मन में डर था कि विश्व में जितने भी न्यूक्लियर स्टेट आगे तो बढ़ रहे हैं, वह कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को आगे जैसे 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 बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे ऊपर वो शिकंजा कसने का प्रयास करें। इसलिए वो शुरू में शुरुआती दौर में तो काफ़ी हिडन रखा। और दूसरी चीज़ें कि विश्व को ये प्रचारित करता रहा कि हम मतलब नो फर्स्ट यूज का जो सिद्धांत है उसका पालन करेंगे, यानी हम पहले किसी पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन और ये भी इसने कहा कि जब तक हम किसी पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, और जब हमारे ऊपर हमला होगा तो हम पलटवार भी उसी जोर शोर से मतलब उसी तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से ऊपर हमला हुआ है, या उस तरीके से या उसकी दुगुनी ताकत से भी हम हमला कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ ये देखा गया है कि करीब करीब जैसे पाकिस्तान में शुरुआती दौर में कहता था कि हम नो फर्स्ट वार फर्स्ट यूज, तो पहली वार में वो भी ये कहा, लेकिन बाद में वो कहा कि नहीं मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। उसी तरीके से चीन भी फिर बाद में सोचने लगा, वो अपना जो नया उसका डॉक्ट्रिन है उस डॉक्ट्रिन में उसने, लेकिन अभी तक उसने ओपन नहीं किया, वो भी जो है एक तरीके से अपना हिडन ही रखा कि हम जो है इस हिडन के जिसे हम कहते हैं अस्पष्ट अस्पष्ट ही रखा कि हम इसको आने वाले समय में क्या करेंगे। अब ये चीन की ये रणनीतियाँ हैं, चीन की रणनीति जो है ये इन्होंने अपने व्यापक बदलाव किया, और चूंकि अमेरिका और रूस को ये देखते हुए इसको बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा एक तरह से कहा जा सकता है, और मजबूर इसलिए हुआ कि चूंकि उसको साउथ एशिया में अपने प्रभुत्व को भी स्थापित करना था। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा उसकी विस्तारवादी सोच पर आते हैं कि अब चूंकि चीन का एक तरीके से अपने जन्म से लेकर ही उसकी जो नीतियाँ रही वो विस्तारवादी रही, वो अपनी सीमाओं का हमेशा विस्तार करने की कोशिश करता रहा, और इस कारण से वो ये सोचता था कि हम अगर जब तक मतलब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे तब तक अपनी हम सीमाओं का विस्तार नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए जो और भी जो देश हैं जो आर्मामेंट रेस में हिस्सा ले रहे थे तो चीन भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और चीन जो है रसिया से अपने हथियारों के विकास के लिए रसिया से मदद दिया। हालांकि रूस और चीन के बीच एक सीमा को लेकर के विवाद था, उस विवाद के तहत रूस जो है चीन को मतलब कोई बहुत तवज्जो नहीं देता था, लेकिन फिर भी चूंकि चीन साम्यवाद का पोषक था रूस साम्यवाद का पोषक था, इसलिए रूस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे मदद चीन को मिले, और उसके बाद ही अपनी परमाणु क्षमताएँ विकसित करता रहा। चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में चार विशिष्ट बातों का उल्लेख करती है, इसको कहते नोट कर लें। मात्रात्मक ताकत, जो मौजूदा दो इसके शस्त्रागार का जो आकार है वो 200 है
जो इसके पास क्षमता जो शस्त्रागार की जो क्षमता थी, लेकिन 2027 तक इसको जो है 700 तक का लक्ष्य रखा है। कम क्षमता वाले हथियार की दिशा में भी वह विस्तार कर रहा है। क्योंकि कम क्षमता वाले हथियार चीन के लिए रुचिकर और विकास का क्षेत्र रहे हैं। क्योंकि चीन को आर्थिक व्यापार भी करना था, हथियारों का व्यापार भी करना था। चीन बड़े पैमाने पर तोपखाने और पैदल सेना बलों के हथियारों में वृद्धि कर रहा है। तोपखाने और पैदल सेना के हथियारों में बड़े पैमाने पर वृद्धि कर रहा है। अब चीन क्यों जो है कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का आविष्कार बड़े पैमाने पर करता है, क्योंकि इनके पास जो DM-26 है परमाणु की जाए जिसमें इसका उपयोग आसानी से कर सकता है और बड़े पैमाने पर कर सकता है, इसलिए उसका मतलब मेन फोकस रहता है कि हम छोटे वेपन्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, छोटे हथियार ज्यादा बनाए, क्योंकि उसके दो लाभ है, एक व्यापारिक लाभ है और दूसरा जो है चूंकि उसका उपयोग छोटे छोटे युद्धों में या झड़प में भी वो कर सकता है। ये लिखा कम क्षमता वाले परमाणु हथियार का उपयोग DF-26, मतलब जो DF-26 है उसका डाउन फैन 26। और यह जो है अक्साई चीन के से लगे जो सीमा है जिनसियांग क्षेत्र जो है उसमें जो है ये विजय पहले से ही चीन तैनात कर चुका है, जो जहाँ पे कोरला नाम की एक जगह है जहाँ पे इसने तैयार किया तैनात किया सिंजियांग क्षेत्र के कोरला में तैनात की कर चुका है। और यह ये इंटरमीडिएट रेंज मोबाइल है मिसाइल है IRBM जिसे कहते हैं, जिसे ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। और DF-26 का मंगोलिया के पश्चिमी सीमा पर प्रशिक्षण अभियानों में बड़े पैमाने पर देखा गया है। DF-26 के अलावा चीन ने JL-2 सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित किए हैं। जिसकी रेंज 7200 किलोमीटर है। जो महाद्वीपीय एशिया में लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और इसके बाद व्यवहार नंबर 4 व्यवहार। लॉन्च ऑफ वार्निंग परमाणु व्यवहार की दशा में चीन का कदम यह सुनिश्चित करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। कोई भी विरोधी परमाणु हमले की स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया पर संदेह न करे। कोई भी विरोधी प्रमाण हमले की स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया पर संदेह न करें।
एक उच्च स्तर व्यापार न केवल पूर्व सुरक्षा के रूप में परमाणु उपयोग के लिए सीमा कम करने की जोखिम उठाती है बल्कि एक गलत घटना और अपेक्षित परमाणु उपयोग के बीच हो सकती है। अब भारत पर इसका प्रभाव देख लेते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। चीन के परमाणु अस्त्रीकरण से सबसे बड़ा प्रभाव अगर दक्षिण एशिया के किसी देश पर पड़ेगा तो ये भारत पर पड़ेगा। इसका कारण है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और अगर छोटी मोटे झड़पें या युद्ध जैसे क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान के माध्यम से भारत को हमेशा तबाह करने की या परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्थिति में चूँकि चीन लगातार पाकिस्तान को उकसा भी रहा है और चीन इस समय अफगानिस्तान में भी इंटरेस्ट ले रहा है तो अफगानिस्तान को भी वेपनाइज कर रहा है तो इसलिए ये भारत के प्रति जो खतरा है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर ये देखता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो उसमें चीन को क्योंकि भारत को कमजोर करने का जो चीन ने सपना देख रखा है वो उसका सपना पूरा होता दिखेगा। कारण है कि ये जानता है कि भारत की जो अगर झड़पें होगी युद्ध हो गया कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसी भी तरीके से बहुत जनधन की हानि होगी और भारत पर बहुत आर्थिक चोट पहुंचेगा क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और विकास की प्रक्रिया में निरंतर लगा हुआ है कि हम किसी भी तरीके से मतलब इसको आगे बढ़ के हम सुपर पावर के रूप में स्थापित हो सके क्योंकि हर कंट्री की यह तमन्ना होती है हर कोई बड़ा बनना चाहता है तो इस क्रम में भारत की भी यह नीतियाँ हैं कि हम भी जो है इन जो महाशक्तियाँ हैं तो महाशक्तियों की श्रेणी में आए अगर नहीं आए तो कम से कम बिग पावर के रूप में तो रहें। तो इसलिए चीन भारत पर दबाव डालता है और चीन के जो मैंने बताया कि न्यूक्लियराइजेशन से भारत के ऊपर इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। कारण यह है कि चूँकि डिटरेंस की स्थिति उत्पन्न होगी भयादोहन की स्थिति उत्पन्न होगी और उस कारण जो है आर्मामेंट रेस में भारत हिस्सा लेना शुरू करेगा। यही कारण है कि भारत जो है S-400 और राफेल इस तरह के विमानों की खरीद कर रहा है कि ताकि हम अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा जिसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको हम बढ़ा सकें परमाणु बमों का अगर उपयोग करने की ज़रूरत पड़े तो हम रिटेलिएशन के रूप में कर सकें। चूँकि भारत का तो सिद्धांत है नो फर्स्ट यूज लेकिन 2003 में भारत ने अपने इस नीति में परिवर्तन किया और उसने कहा कि हम नो फर्स्ट यूज का तो मेरा सिद्धांत कायम रहेगा लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत जो है अपने इस नीति में परिवर्तन कर सकता है। अब नीति में परिवर्तन करने का मतलब उसने कहा कि लेकिन फिर भी उसने ये कहा कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं ठीक है उन पर भारत कभी न्यूक्लियर बमों का या आर्थिक अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा लेकिन जो ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम नहीं जिनके पास न्यूक्लियर बम हैं उनके ऊपर भारत जो है परमाणु बमों का प्रयोग कर सकता है। फिर लेकिन ये भी कहा कि वो भी देश उसमें शामिल होंगे जो किसी न किसी परमाणु अम्ब्रेला के नीचे हैं जैसे वह देश जो बड़े देश के सेटेलाइट बने हुए जैसे पाकिस्तान है पाकिस्तान तो ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट है जैसे बांग्लादेश है मान लीजिए बांग्लादेश को अगर किसी बड़े देश से मदद हालांकि भारत ने बांग्लादेश को पर न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा है लेकिन ये देखा है कि जैसे चूंकि जापान तो हमारा मित्र है लेकिन फिर भी चूंकि जापान अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे है लेकिन अगर किसी युद्ध में या भारत के विरुद्ध जापान अगर खड़ा होता है तो भारत उसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करेगा। और जिन देशों के पास परमाणु बम नहीं यानी उनके पास केवल केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उसके खिलाफ भारत जो है निसंकोच परमाणु बमों का प्रयोग कर सकता है ठीक है।
तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके भारत के क्या प्रभाव होंगे, इसको आप दो चार पॉइंट में आप लिख लो। चीनी परमाणु शस्त्रागार भारत की परमाणु क्षमता को, भारत के परमाणु शस्त्रागार की क्षमता को अधिक खतरे में डालने का, भारतीय जवाबी परमाणु हमले के लिए निर्णय समय को कम कर देती है। यहाँ पर सबसे बड़ी ये भी सोचने की बात है कि जो चीन का जो सामुद्रिक क्षमता है, सामुद्रिक आणविक क्षमता है, उस पर भारत को बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि चीन की जो सामुद्रिक आणविक क्षमता है वो बहुत शक्तिशाली है। उनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन बहुत है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स जाने, भारतीय रणनीति की योजनाकारों को परमाणु संतुलन बस ये इसका हो गया। ठीक है, और इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो। अब उसके बाद हम आते हैं इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी पर, सार्ट में भी देख लेते हैं। इसराइल जो है 60s के दशक में, सबसे पहले तो इसराइल एक ऐसा देश है कि जिसको पहले कोई मान्यता नहीं मिली थी, बाद में इसको मान्यता मिली, और मान्यता मिलने के साथ ही हमारे ख्याल से ये फिलिस्तीन के जो भूभाग थे धीरे धीरे अपने को इतना विकसित कर लिया कि फिलिस्तीन को ही खत्म कर दिया, और ख़त्म करने के साथ ही इसको चूंकि अमेरिका का समर्थन तो शुरू से ही मिला, और जिस कारण से ये, लेकिन अमेरिका ने भी कभी ओपन नहीं किया कि हम इसराइल को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या किसी तरह की टेक्नोलॉजी हम
हमने दी है, कभी भी ये ओपन नहीं हुआ। अच्छा, और इजराइल ने कभी कहा भी नहीं इस चीज़ को, यानी उसकी पूरी शुरुआती दौर से ही देखा जाए तो उसकी पूरी नीतियाँ अस्पष्ट थी इजराइल की, इसीलिए उसकी जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी उसको डिलिब्रेट एंडिक्वाइटी मतलब इसकी जो स्ट्रेटजी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी। इजराइल ने अपना जो परीक्षण किया था वो करीब 1979 में किया था, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था, इसको भी उसने डिक्लेयर नहीं किया। इजराइल के पास वर्तमान में 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। और वो ये प्रयास कर रहा है, प्रयास करता है कि मिडिल ईस्ट में मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो जनसंहारक हथियार है वो बिल्कुल न रहे, यानी वो पूरे मिडिल ईस्ट का बादशाह उसमें बन के रहना चाहता है, चाहता है कि हम मिडिल ईस्ट जो है वो मेरे मुट्ठी में रहें। और अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को यह इस समय बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है, और जो MCTR के बारे में आप लोग जानते होंगे, मिसाइल कंट्रोल रिजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसमें जो टेक्नोलॉजिकल जो भी परमाणु से सज्जित देश हैं उनकी निगरानी इसमें की जाती है देशों द्वारा कि कौन क्या कर रहा है, सभी दूसरे को मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। फिर आता है मतलब ऑफिशियली इजराइल कभी न ये कन्फर्म किया है न अस्वीकार किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। लेकिन जब फिलिस्तीन में कभी इजराइल से झड़प होती है तो अपने मीडियम रेंज का या जो उसके मिनिमम क्षमता वाले जो वेपन्स होते हैं उन हथियारों का प्रयोग करता है। ज़्यादातर अब वो अपनी सीमाओं पर वो जो उनका ये रोबोटिक वेपन्स लगा रखा है, बस यही इजराइल में, बाकी कुछ है नहीं। और कुछ क्वेश्चन सर, इजराइल ने अगर डिक्लेयर नहीं किया है, हाँ, अगर उसे एग्जैक्टली पूछा जाता है कि इजराइल जो न्यूक्लियर पॉलिसी है हाँ तो उसे अगर मेंशन करना है तो जैसे इनका कॉन्सेप्ट है डेलिब्रेट एम्बिग्युटी, हाँ सर, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसको जो है मतलब आप यही देख सकते हैं ना कि ना तो उसने कभी डिनाई किया है आधा कभी एक्सेप्ट किया है कि हम न्यूक्लियराइज्ड स्टेट हैं, मतलब हमारे पास परमाणु अस्त्र हैं। अच्छा, नहीं उस तरह का अभी आने वाले समय में कोई इस तरह का युद्ध हुआ है इजराइल से कि जिससे कि पता चले कि वो, कारण ये है कि जो ये डिटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, और हमारे ख्याल से डिटरेंस ही एक ऐसा चीज है कि जो इस समय विश्व में युद्धों को रोका, और डिटरेंस के कारण ही कोई बड़े बड़े युद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें ये देखा जाता है कि अगर हम भाई हम कह रहे हैं कि जैसे आप शक्ति संतुलन पढ़ते हैं तो आप ये कहते हैं कि मतलब अमुक राष्ट्र जो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, तो एक राष्ट्र शक्तिशाली है, ठीक, तो हम पांच लोग मिलकर उससे भी शक्तिशाली तो बन सकते हैं। तो उसी तरीके से डिटरेंस का भी कॉन्सेप्ट लगभग उसी से मिलता जुलता है। तो और हमारे ख्याल से या आप लोग खुद सोच सकते हैं इस चीज को कि पूरे विश्व में अगर परमाणु बमों का जखीरा नहीं होता तो शायद अब तक और भी युद्धें हो जाती, बहुत सारे युद्धों का श्रीकृष्ण हो गया होता,
क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वह कई बार जो है सीमा पर आमने सामने हो चुकी हैं। चीन की भी जो सेना है वो भी कई बार जो है आप गलवान में भी रिसेंटली आपने देखा, क्योंकि चीन जो है वो भारत से लगातार विवाद खड़ा कर रहा है, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको वो भी डर रहा है कि भारत भी चूंकि न्यूट्रलाइज स्टेट है, न्यूक्लियर वेपन्स भारत के पास भी है, तो भारत भी न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकता है। तो आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और दोनों एक दूसरे पर अगर पिस्तौल लगा देते हैं तो गोली कौन चलाएगा, बताओ इस कौन चलाएगा? सर कोई नहीं चलाएगा। नहीं, कोई ना कोई तो चलाएगा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। सर डिफरेंस कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है या दोनों के पास एक दूसरे को गन पॉइंट करके खड़े हैं तो सर दोनों ही दूसरे को मतलब अटैक करने से बचेंगे। जो अगर दोबारा क्या भी हुआ ये सच भी है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो गोली चला दे, क्योंकि सेकेंडों में मतलब वो स्वाहा हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर चाइना जो है कई बार आता है, चाइना जब गलवान वैली में फिंगर फोर तक पहुंच गया, भारतीय सेना ने प्रतिक्रिया की, तो अगर चाइनीज सैनिक चाहते हैं तो चूंकि फिंगर फोर से फिंगर वन तक आगे बढ़ गए और वहां पर अपनी चौकियां स्थापित कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाए इसलिए कि वो चूंकि एक एग्रीमेंट के तहत वो वेपन्स लेके वहां तक नहीं जा सकते थे, और जब वेपन्स लेके नहीं जा सकते थे तो उनको ऐसे हथियारों से ही लड़ना था कि जो मानव निर्मित छोटे मोटे हो, उस टाइप के हथियार जो आदि मानव के युग में हुआ करता था। भाई परमाणु का विकास इसी से हुआ, आपने ये कहा जाता है कि या बहुत सारे जगह फूट किया जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो प्राचीन काल में जब आदि मानव थे जंगलों में रहा करते थे और उनके पास कोई वेपन्स नहीं था, तो जंगली जानवरों से रक्षा के लिए क्या करते थे, वो पत्थर काट के उसके हथियार बनाते थे और उससे बचने का उपाय ढूंढते थे कि अगर कोई जंगली जानवर आ गया हमको मारने का प्रयास करते तो पत्थर चला गया तो उसको मारेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि उनको कुछ और चीजें उपलब्ध होती गई और उसका उन्होंने भाला बर्ची और इन सब चीजों का निर्माण किया, और वहां से निर्माण करते करते तीर धनुष से लेकर के और आज जो है परमाणु युग में पहुंचे हैं और परमाणु के मुहारे पर दुनिया खड़ी है और पूरा विश्व जो है करीब करीब एक घंटे के अंदर खत्म हो सके, एक घंटे भी नहीं लगेंगे। आज जो है इतनी ज्यादा मतलब शक्तियां हो गई हैं इसकी, अभी करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 15,493 बम हैं, जिसमें केवल रूस और अमेरिका के पास 14,400 बम हैं। हाँ, पाकिस्तान के पास 130, भारत के पास 110। और भारत पाक चीन का देखा जाए तो कुल जोड़ के करीब करीब 500 बम हैं। मतलब एक तरीके से उसको
उसने थोड़ा कमजोर समझा और हमला कर दिया। वो ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी भी संधियां हुई उसमें 5 देशों की मोनोपोली थी। इस मोनोपोली के कारण और भी जो देश थे जो न्यूक्लियर वेपन से करीब करीब अपना परीक्षण कर चुके थे कहीं ना कहीं से, उन लोगों ने उनके संधियों को नहीं माना, क्योंकि उसमें कहाँ माना, LTBT और ये BTBT के बाद हमारे ख्याल से कोई नया इजराइल उस पर हस्ताक्षर किया, चीन किया, भारत भी नहीं किया, और जो किया जिसने जो किया भी वो बाद में विड्रीव कर किया, जो अगर जैसे विश्वास में आ गया तो विश्वास में अति उत्साहित होके जो, और भारत के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है NPT पर साइन कर चुका था लेकिन विड्रीव कर दिया। तो इस तरीके से चूंकि इसमें विरोधाभास था और उसमें ये था कि चूंकि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे जो 5 देश थे P5 जिनको पावर 5, वो जो टेक्नोलॉजी था वो अपने में ट्रांसफर करते थे बाकी दूसरे पर प्रतिबंध लगा देते। अब ये कैसे हो सकता है कि 5 जो न्यूक्लियर स्टेट हैं उन्हीं को सारे पावर दे दिए गए कि आप हवा में, जमीन के नीचे, वायुमंडल में, आकाश में, आप समुद्र में आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके का विरोधाभास होने की वजह से जो आप बता रहे हो कि इसकी भी कोई निगरानी एजेंसी होनी चाहिए, बहुत सारी निगरानी, आखिर यूनाइटेड नेशन किस काम के लिए, इसी काम के लिए है ना कि उसकी जो निगरानी में सारे देश काम करें, लेकिन कहाँ रोक पाया, कोई युद्ध हमारे ख्याल से जो युद्ध हुए हैं उस युद्ध को रोक नहीं पाया है यूनाइटेड नेशन। तो 62 में हो गया, 65 में हो गया, 71 बार हुआ, प्लस अफ्रीकन कंट्री में भी बहुत सारे युद्ध हुए, अमेरिका इराक का युद्ध हुआ, लेकिन कोई युद्ध को यूनाइटेड नेशन ने रोक पाया। तो इस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन की जो निगरानी टीम है वो निगरानी, तो अब अमेरिका अपने हिसाब से जिनको वीटो पावर है, जिन देशों को 5 देशों को वीटो पावर है, जैसे अमेरिका को वीटो पावर है, चाइना को है, तो अमेरिका ने तो इराक की निगरानी करवाया, इराक वार से पहले सद्दाम हुसैन को सजा देने से पहले तो अमेरिका यही काम किया, जैसा कि हमने बताया था कि उनके जो कंटेनर थे जो कीटनाशक दवाओं के जो कंटेनर थे जो फसलों में जो छिड़काव के लिए थे उसको भी उन्होंने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का मतलब स्टोर माना कि यहाँ पर वो हथियार रखे हुए थे, और उसके ऊपर आरोप लगाया कि मानवता के विरुद्ध ये जनसंहारक जो हथियार है उन हथियारों को समाप्त करने के लिए अमेरिकी टीम के जो इंस्पेक्टर्स का जो ग्रुप गया था, जो उनकी सुपरवाइजिंग टीम थी, वो मेन टारगेट था कि सद्दाम हुसैन को खत्म करना था, और इराक में चूंकि सद्दाम हुसैन, अच्छा अमेरिका क्यों इराक से बहुत ज़्यादा मतलब खफा हो गया, उसका एक कारण था, बहुत बड़ा कारण यह था कि इराक में चूंकि डॉलर चलता था ठीक, और सद्दाम हुसैन ने स्टेटमेंट दे दिया था कि अब हम इराक डॉलर को छोड़ करके यूरो को अपनाएंगे। अब इसी से अमेरिका सोचा कि ये तो अमेरिका एकदम बिल्कुल मंदी में, बहुत आर्थिक मंदी में चला जाएगा, और ओबामा के शासनकाल में ऐसा हुआ था कि अमेरिका की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और खासतौर से उस टाइम से ही शुरू हो गए थे कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, और जिसका मतलब पूरे विश्व पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। आज जो है चीन के कोरोना वायरस से है, जो भी विश्व के देश जो मंदी में है, जो दिक्कत में है, जिनके पास आर्थिक स्थितियां जिनकी खराब हो चुकी हैं, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण तो
चीन है, मतलब अब उसके बारे में तो अभी स्पष्ट नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने भी हालांकि कोई स्पष्ट नहीं किया है कि ये वायरस प्राकृतिक है या मानवजनित है, लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि जो भी वायरस आप लोग साइंस के विद्यार्थी रहे, आप लोग सोच सकते हैं कि जैसे जो भी वायरस होता है, हमारे ख्याल से मैं भी पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत नॉलेज है कि जो वायरस होता है, जो प्राकृतिक वायरस होता है, उस जिस एटमॉस्फेयर में वो पनपता है उसी एटमॉस्फेयर में वो सर्वाइव करता है। यानी कि अगर कोई वायरस जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस, हालांकि वो तो मच्छरों के काटने से होता है, कोई भी वायरस जो है जैसे हम इंसेफ्लाइटिस का ही एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये गोरखपुर रीजन में बहुत बड़े पैमाने पर था और धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर लगभग, जिसको हम जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं और मच्छरों के काटने पर वो होता था, तो उस पर्टिकुलर उस एरिया में ही वो डेवलप हो पाया। यहाँ तक कि उस क्षेत्र से अगर 100 किलोमीटर दूर कोई केस नहीं मिला, कानपुर लगभग 300 किलोमीटर दूर है, कानपुर में भी इंसेफ्लाइटिस का कोई केस नहीं होता है। हमारे ख्याल से इक्का दुक्का अगर कोई उस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उसको डॉक्टर इंसेफ्लाइटिस बता देता है कि ये इंसेफ्लाइटिस का केस है, लेकिन उस तरह का कोई केस नहीं है। इसी तरीके से जो नेचर द्वारा वायरस जो जैसे हमारे शरीर में उत्पन्न हो गया या कहीं से इन्फेक्शन से या किसी के द्वारा संक्रमित हो गया अगर आ गया, तो उसी क्लाइमेट में और उतने ही डिग्री तक वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो मानव जनित वायरस है उसमें जो उसको बढ़ाया कैसे जाता है, उसमें स्पाइक प्रोटीन लगाया जाता है, लैब में टेस्टिंग के बाद उसमें स्पाइक प्रोटीन लगाया जाता है, जो कांटेदार जो संरचना होती है उसके ऊपर वो स्पाइक होता है, वो वही मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद जो बॉडी के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स एक तरह समझ लीजिए कि वो एक फोटोकॉपी मशीन होती है, आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करता है कि उसको कॉपी करता जाता है, और इसीलिए आप कहते हैं कि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इतनी ज्यादा फोटोकॉपी हो जाएगी कि वो एक हफ्ते में वो करोड़ों वायरस आपके शरीर के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ये कोरोना वायरस इसलिए इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि चूंकि ये 0 डिग्री में भी उतना ही खतरनाक है जितना कि ये 50 डिग्री में, क्योंकि अफ्रीकी कंट्री जहाँ टेम्परेचर और गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी इसने प्रभावित किया कि जहाँ मतलब जैसे हम लोगों का दिसंबर का जब महीना आएगा तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है करीब 45-44 डिग्री टेम्परेचर, 20 और गर्मी पड़ती है वहाँ पे, वहाँ के जंगलों में आग भी लगती है आप लोग टाइम के सुनों में, तो वहाँ पर भी फैला, गल्फ कंट्रीज में भी भयंकर गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी फैला, यानी चारों तरफ भी फैला, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, मानव निर्मित ही कह सकते हैं, तो एक तरीके से इसको भी हम बायोलॉजिकल वेपन्स की श्रेणी में रखते हैं। सर कहीं तक मुझे लगता है कि जैसे मुझे कंफर्म नहीं होता, जैसे कोविड का जो असर आया है, मेरे ख्याल से जो सेंट्रल एशिया के जो कुछ कंट्रीज हैं उनमें ने देखा जाए तो कमी सुनने को मिला है कि वहाँ पे उसका इतना असर आया या बंद किया गया, जैसे यूरोपियन कंट्री का भी बहुत सुना। नहीं, मेन चीज है कि देखिए ऐसा नहीं है कि कम असर रहा है, असर रहा है, मगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास हॉस्पिटल्स बेड वो चूंकि बना भी रहे थे, अपने यहाँ के लोगों को भी ठीक कर रहे थे, उनको भी उपलब्ध करा रहे थे, और प्लस वो व्यापार भी कर रहे थे उन इक्विपमेंट्स का। अब चीन को ही ले लीजिए, तो चीन तो पीपी किट और से लेकर के और मास्क और सब कुछ पहले भारत में क्या था, कुछ भी तो नहीं था, लेकिन अब उसमें आपदा में अवसर तो लोग ढूंढ ही लेते हैं, तो इसी तरीके से चीन ने भी आपदा में अवसर ढूंढा। चीन चाइना ने अपने जो नंबर ऑफ डेथ्स थे जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको भी उन्होंने हाइड कर दिया कि उन्होंने बताया नहीं कि क्या कितनी डेथ्स हुई। ये बिल्कुल सत्य है, असल में चाइना का जो पॉलिसी है ये सिर्फ ये भी अखबार में छपती है ग्लोबल टाइम्स में, वही पॉलिसी उसकी छपती है, वही न्यूज बाहर आती है,
कि जो कि वहाँ की सरकार जारी करती है। बाकी कोई ऐसा, यहाँ तक कि चाइना अभी हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता चला, अभी जल्दी ही पता चला कि चाइना गूगल वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करता है। हाँ, तो अब खुद सोचो कि जो मतलब गूगल अपनी सीक्रेसी को इतना ज्यादा मेंटेन रखता है कि मतलब वो गूगल का भी प्रयोग नहीं करता कि हो सकता है कि हमारा डाटा कहीं लीक हो जाए। और साइबर वार में अभी मतलब बहुत सारे इंडिया के भारत के कंप्यूटर्स को और रक्षा मंत्रालय ये लोग बहुत अलर्ट रहते हैं चीन से, क्योंकि वो साइबर हमले के द्वारा वो हैक करता रहता है कंप्यूटर जिसमें भारत के डाटा रहता है, इसलिए भारत बहुत सावधान रहता है और उसका बैकअप बहुत जगह पे रखता है। कभी एक बार सुनने को आया था कि सारे बैंक के जो कंप्यूटर है वो सब बंद हो गए हैं, तो सब लोग घबरा गए थे, लेकिन ये कि वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ था, या हो सकता है कि कोई प्रयास किया इसकी वजह से।